Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I welcome you all in our channel where today we are going to discuss the third topic of division, physical division of India, that is the coastal plains. Before studying about the coastal plains, हमको पता होना चाहिए western घाट और eastern घाट क्या होता है, मतलब घाट्स के बारे में. क्योंकि coastal plain की अगर बात करें तो coastal plain भी हमारे यहाँ दो हैं, east coast and west coast. Fine. This is the diagram of India, मान के चलना सही है, ठीक है. ये कौन सा रीजन है? पेनिनसुलर रीजन. Why we used to call it as a peninsula? क्योंकि तीन साइड पानी से घिरा हुआ और एक साइड जमीन है, इसलिए इसे पेनिनसुलर रीजन कहते हैं. फाइन. अब इंडिया में दो घाट पाए जाते हैं, एक होता है वेस्टर्न घाट, एक होता है ईस्टर्न घाट, ठीक है. ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट में डिफरेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये देख लेते हैं. जब हम बात करते हैं ईस्टर्न घाट की, तो ईस्टर्न घाट कैसा होता है? ब्रॉड होता है बहुत ज़्यादा, मींस इसकी विथ जो होती है बहुत ज़्यादा वाइड होता है, लेकिन इसकी गहराई जो होती है वो बहुत कम होती है. जब हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट की, तो वेस्टर्न घाट नैरो है एंड हाइटेड है, इसलिए आप देखते हो जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट की अगर बात करें तो वेस्टर्न घाट में हमें एस्चुरीज मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे पेनिनसुलर रिवर्स है जो हमने पढ़ा है, या जो हम पढ़ेंगे किसमें, जो डेक्कन प्लेटू, जो हम डेक्कन प्लेटू पढ़ेंगे, और तो उसमें हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो नदियाँ आती हैं वो कहाँ पे और कैसे जाती हैं. तो यहाँ की जो नदियाँ आती हैं, चूंकि ये आती हैं और ऊंचाई से नीचे गिरती हैं तो डायरेक्ट समुद्र में मिल जाती हैं, दैट्स वाई यहाँ पे जो बनती हैं वो क्या बनती हैं, एस्चुरीज बनती हैं. व्हाट वी यूज्ड टू फाइंड, एस्चुरीज. लेकिन जब हम बात करते हैं वेस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड पे, तो जो नदियाँ आती हैं, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, इनके यहाँ पे डेल्टा मिलते हैं. डेल्टा कहाँ पे मिलते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया. तो डेल्टा, जब प्लेन सरफेस पे नदियों की स्पीड स्लो हो जाती है, तो वो अपने साथ लाए हुए अवसातों को रास्ते में छोड़ते हुए पतली पतली स्ट्रीम्स में कन्वर्ट होकर एक डेल्टा टाइप का शेप बनाती है, जिसे हम मैथ्स के डेल्टा में कहते हैं, मतलब ट्राइंगुलर शेप, और वो यहाँ के समुद्र में मिल जाती है. फाइन. तो यहाँ पे आके गिर जाती है. तो ये कैसा होता है, वाइड होता है, हाइट इसकी नीचे होती है. ये कैसा होता है, नैरो होता है, हाइट इसकी ऊपर होती है. अगर हमको वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट क्रॉस करके वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट में जाना पड़े, तो यहाँ पर तो इजीली आप चले जाओगे, देयर इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, प्लेन सरफेस है. लेकिन जब हम बात करते हैं ईस्टर्न वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट से आप वेस्टर्न कोस्टल एरिया में जाने के लिए प्रोमिनेंटली तीन यहाँ पे पासेस मिलते हैं, दो मिलते हैं आपको महाराष्ट्र में, दैट इज थाल घाट एंड थाल एंड भोर घाट, और एक मिलता है हमें केरला में जिसका नाम है पालघाट, याद रखिएगा, ठीक है. यहाँ पे दो घाट, तीन घाट मिलते हैं, यहाँ पे घाटों की जरूरत नहीं है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीनरिक व्यू मिलता है, मतलब सीनिक व्यू का मतलब होता है, आपने एक मूवी देखी होगी चेन्नई एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस की मैक्सिमम शूटिंग अब अगर बात करोगे तो मैक्सिमम शूटिंग यहीं पर हुई है. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द घाट्स, घाट्स इंपॉर्टेंस एक और चीज़ से और रखते हैं. जो हमारे यहाँ मानसून आता है, तो मानसून एक फर्स्ट ऑफ जून को कहाँ पे आता है, सबसे पहले केरल में आता है, ये यहाँ पर है. तो मैंने आपको क्या बताया, जो आपके वेस्टर्न घाट्स हैं ये ऊंचे हैं, तो जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून जो होता है पानी अपने साथ लेकर आता है, तो यहाँ पर सबसे पहले ऊंचा घाट होने के कारण बादल यहाँ पे रुकते हैं और यहीं पर पानी गिरा देते हैं. सबसे पहले आपका मानसून आता है कहाँ स्ट्राइक करता है, इन केरला. केरला में कब स्ट्राइक करता है, तो हम मान के चलते हैं 1 से 5 जून के बीच में यहाँ पे स्ट्राइक करता है. फाइन. लेकिन हम बात करते हैं जब वेस्टर्न ईस्टर्न साइड पर, ईस्टर्न घाट कैसा है, छोटा है, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है. तो जब हमारा साउथ ईस्ट मानसून जब आता है, तो वो पानी लेकर यहाँ पे रुकता नहीं है, सीधा ऊपर भाग जाता है. तो आप देखते हो ड्यूरिंग रेनी सीजन, ड्यूरिंग मानसून सीजन, ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, उस समय आप देखते हो तो यहाँ पर तमिलनाडु साइड बिल्कुल भी पानी नहीं गिरता. पूरा का पूरा पानी तमिलनाडु में जब गिरता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून. ये रिट्रीटिंग मानसून क्या है, नई चीज़ आप सुन रहे होगे, दिस वी गोइंग टू डिस्कस इन द मानसून वेदर कंडीशन. जब हम इंडियन मानसून की बात करेंगे तब हम देखेंगे ये सारी चीज़ें डिटेल में. फाइन. अभी हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न का, ईस्टर्न कोस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट. तो ईस्टर्न कोस्ट, इस पूरे एरिया को ईस्टर्न कोस्ट कहते हैं, इस पूरे एरिया को, सॉरी, इस पूरे एरिया को ईस्टर्न बोलते हैं, इस पूरे एरिया को वेस्टर्न कोस्ट बोलते हैं. मतलब द एरिया सैंडविच बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी इज कॉल्ड वेस्टर्न कोस्टल एरिया. द एरिया सैंडविच बिटवीन ईस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल इज कॉल्ड ईस्टर्न कोस्टल एरिया. फाइन. तो भाई इधर देख लेते हैं, मैंने अभी बताया इनको कुछ अलग अलग नाम से जाना जाता है. फाइन. द कोस्टल एरिया बिटवीन दिस एरिया, लेट से दिस इज गोवा. फाइन. तो गोवा से गुजरात के बीच के कोस्टल एरिया को कहा जाता है व्हाट, कोंकण कोस्ट या कोंकण घाट, कोंकण कोस्ट. फाइन. जब हम बात करते हैं गोवा से लेके मैंगलोर तक, दिस इज मैंगलोर, लेट्स से दिस इज गोवा, दिस इज
गुजरात और दिस इज कन्या कन्याकुमारी. फाइन, कन्याकुमारी. तो इसको कहा जाता है कन्नड़ कोस्ट और फिर हमारा मैंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक के रीजन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कोंकण कन्नड़ एंड मालाबार कोस्ट. मालाबार कोस्ट एक और चीज के लिए इंपॉर्टेंट है. किस चीज के लिए? देखो कोंकण सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्यों है, कोंकण इज इंपॉर्टेंट क्योंकि यहां पर जो कोस्टल एरिया है, ये कौन सा कोस्टल एरिया है, एकमात्र कोस्टल एरिया है जो कि टाइडल कोस्ट है. टाइडल कोस्ट है मतलब यहां पर टाइड्स बहुत ज्यादा आते हैं. इंडिया के जितने भी आपके कोस्टल एरिया है, कोस्टल प्लेन्स है, यहाँ के जो पोर्ट होते हैं इन्हें टाइडल पोर्ट भी कहते हैं. टाइडल पोर्ट का मतलब यहाँ पर रोज पानी का लेवल ऊपर होता है और पानी का लेवल नीचे होता है. गेटिंग? अगर आप गुजरात घूमने जाएंगे तो आप ये जरूर जाएं और देखें, सुबह से शाम तक उठना आपको दिख जाएगा, मैं पता कह रहा हूँ. फाइन, कन्नल कोस्ट झुके एंड मालाबार कोस्ट को कहा जाता है. यहाँ पर बहुत ज़्यादा कयाल्स मिलते हैं आपको. कयाल्स क्या होते हैं? कयाल्स रिवर बैकवर्ड वाटर फ्लो, जब पानी पीछे की तरफ भी बहता है तो उसे हम कयाल्स कहते हैं. यहाँ कयाल फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है. कयाल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर फिशरीज बहुत अच्छे से होती है, मतलब मत्स्य पालन के लिए सबसे अच्छी उपयोगी जमीन क्या कहलाती है, यही कहलाती है. आप ब्राज़ील के कोस्टल एरिया में जाओगे, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कयाल्स मिलते हैं और वहाँ पर भी मत्स्य पालन बहुत ज़्यादा होता है. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, इसके बाद आता है हमारा वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट. तो ईस्टर्न कोस्ट में सबसे ऊपर से लेके अगर आंध्र प्रदेश वाला रीजन को देखें, इसको कहा जाता है द नदन सरकार. नदन सरकार, नदन सरकार, फाइन. और उसके नीचे वाले एरिया को कहते हैं दी सहयाद्री. दिस इज द नेम ऑफ द कोट पो I mean to say, this is the name of the coastal area. यहां पर जो है इसके बीच वाला एरिया, यहां पर पाया जाता है गोदावरी डेल्टा. मतलब जब हम बात करते हैं उड़ीसा से लेकर उड़ीसा टू आंध्र प्रदेश, इस कोस्टल प्लेन को कहा जाता है नदन सरकार और कलिंगा कोस्टल एरिया. फाइन, कलिंगा कोस्टल क्यों बोलते हैं? गुजरात में पहले गुजरात वाला जो एरिया, आपने महाजनपद एरा जब पढ़ा होगा तो उसमें बताया होगा कि इस एरिया में ही कलिंगा पड़ता था, इसलिए इसको कलिंगा कोस्टल एरिया भी कहते हैं. फाइन, इसके अलावा रॉयल कोस्टल एरिया भी इसको कहते हैं. फाइन, ये तीन चीज कहते हैं. फिर हमारे पास आ गया गोदावरी. गोदावरी डेल्टा के जस्ट नीचे वाला एरिया जो होता है सह्याद्री होता है. अब ईस्टर्न घाट में मैंने आपको क्या बताया, यहां पर बहुत ज्यादा आपको क्या मिलते हैं बेटा, यहां पर आपको मिलेंगे लगूंस. लगूंस क्या होते हैं? लगूंस बेसिकली लेक होते हैं. Like this, it is found in Odisha, जिसको बोलते हैं चिल्का लेक. इंडिया की सबसे बड़ी खारी मतलब सॉल्ट वाटर लेक जो है, इट इज चिल्का लेक. चिल्का लेक, ये सॉल्ट वाटर क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेनली समुद्र का पानी होता है. समुद्र का पानी क्या होता है? ये एक नेचुरल बाउंड्री जनरेट कर लेती है हमारी, जो हमारी कोस्टल एरिया जो होता है लास्ट पॉइंट, वहाँ पर एक नेचुरल बाउंड्री जनरेट हो जाती है और एक तरफ से खुला होता है, जहाँ से क्या होता है समुद्र का पानी उसमें समा जाता है. तो इट लुक्स लाइक अ लेक, दैट्स वाई इनको कहा जाता है लगूंस. यहाँ पे आपको दो तीन लेक्स मिलेंगी, जैसे पुलिकट लेक मिलेगी, दूसरी चिल्का लेक मिलेगी. दीज आर द प्रोमिनेंट लेक ऑफ दिस एरिया. आई होप आपको समझ में आया होगा कोस्टल एरिया. इसमें इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं. फाइन, वन थिंग विच आई हैव फॉरगॉटन, इट इज नॉट सह्याद्री. सह्याद्री बेसिकली वेस्टर्न घाट्स को कहते हैं. द नेम ऑफ दिस इज कोरोमंडल. सह्याद्री बेसिकली हम वेस्टर्न घाट जो थे इनको हम सह्याद्री कहते हैं. गेटिंग? इसके बाद हम पढ़ते हैं डेजर्ट क्या होता है. नाउ द नेक्स्ट फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, दैट इज डेजर्ट और द इंडियन डेजर्ट. इंडियन डेजर्ट की अगर बात करें, बेसिकली देर आर टू टाइप ऑफ डेजर्ट फाउंड. एक होता है कोल्ड डेजर्ट, एक होता है हॉट डेजर्ट. लेकिन जब हमने फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़ा है तो उसमें सिर्फ हमने हॉट डेजर्ट की बात की है, नॉट अबाउट द कोल्ड डेजर्ट. क्योंकि कोल्ड डेजर्ट प्रेजेंट हिमालय का रीजन का है, जिसको मैंने लेह लद्दाख बताया था. तो हॉट डेजर्ट क्या होता है? तो भैया हॉट डेजर्ट आपका पाया जाता है इस वाले रीजन में. ठीक है, ये बहुत अंदर तक चला गया, बाहर तक, आई मीन टू से इस वाले रीजन में. ठीक है, जो क्या है आपका वेस्टर्न गुजरात एंड सॉरी वेस्टर्न राजस्थान एंड सम पार्ट्स ऑफ गुजरात. इस रीजन में अगर हम देखते हैं तो हमारे यहाँ का क्या आता है? डेजर्ट आता है, जिसे हम कहते हैं थार डेजर्ट. हम में और पाकिस्तान में ये चीज़ कॉमन है, मतलब हमारा भी डेजर्ट का नाम थार है और पाकिस्तान के डेजर्ट का भी थार नाम है, बिकॉज पाकिस्तान वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया वंस.
स्प्लिट होने के बाद डेजर्ट भी आधा उसमें चला गया, आधा हमारे में चला गया। यहाँ पे डेजर्ट का फॉर्मेशन हुआ कैसे, अगर कोई आपसे पूछता है हाउ डेजर्ट यूज टू बी फॉर्म, तो डेजर्ट का फॉर्म होना सबसे पहले होता है कि वहाँ पे किसी भी नदियों का ना होना, और नदियों के अलावा वहाँ पर मानसून का ना होना। मानसून का मतलब है वहाँ पर रेनफॉल ना होना, रेनी ना होना। रेनिंग क्यों नहीं होती यहाँ पर, तो हम देखते हैं जब हमने अभी हम जो आपको पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में पढ़ाऊंगा तो डिटेल में उसमें पढ़ेंगे कि यहाँ पर लास्ट जो रेंज पाई जाती है दैट इज अरावली रेंज, वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन रेंज। अगर कोई आपसे पूछता है तो वो नाम है अरावली रेंज, याद रखना वर्ल्ड की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में उसका नाम आता है। किसका नाम? अरावली रेंजेस का। कोई क्वेश्चन पूछता है डायरेक्टली बिना सोचे अरावली रेंज में ओल्डेस्ट अगर लिखा है तो वहाँ अरावली रेंज में आंसर लगा के आ जाना, ढूंढना सबसे पहले अरावली कहाँ है। फाइन, अरावली रेंज आपकी यहाँ पे खत्म हो जाती है। इसके बाद अगर देखोगे तो प्लेन सरफेस, वही मैंने जो आपको बताया हिमालय अगर नहीं होता तो क्या कंडीशन होती, यहाँ पे कोई माउंटेन ना होने के कारण आप देखते हो ये डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। हु नोस, इंडिया का ये ऊपर वाला हिस्सा भी डेजर्ट में कन्वर्ट हो चुका होता अगर हमारे पास हिमालय ना होते। तो यहाँ पर क्या होता है, सारे के सारे बादल जो नॉर्थ वेस्ट से आते हैं, साउथ वेस्ट से आते थे, ये सारे के सारे पानी लेकर यहाँ रुकते नहीं थे, भाग जाते थे। तो यहाँ पर जब पानी नहीं करेगा तो यहाँ पर डेजर्ट का फॉर्मेशन हो गया। रेत आपको बहुत ज़्यादा सैंडी ड्यून्स आपको मिलते हैं, ड्यून्स और कौन से ड्यून्स आपको मिलते हैं जो एक जैसे दूसरे शिफ्ट होते हैं, शिफ्टिंग ड्यून्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर अगर वेजिटेशन की बात करते हैं तो वेजिटेशन आपको बहुत कम मिलते हैं, और कौन से टाइप की वेजिटेशन मिलते हैं, थॉर्नी ट्रीज मिलते हैं, कैक्टस मिलते हैं। अब इनकी स्पेशलिटी क्या होती है, तो जो डेजर्ट में आपको पेड़ मिलते हैं उनकी पत्तियां जो होती हैं वो वैक्सी होती हैं। वैक्सी क्यों होंगी बेटा, क्योंकि वहां पे ट्रांसपिरेशन नहीं होता। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है जब पत्तियों में जो होल्स होते हैं उन होल्स से स्टोमेटा, जैसे आप कहते हो, उन स्टोमेटा का काम क्या होता है, पानी अगर एक्सेस में आ जाए तो पानी ऊपर की तरफ खींच ले, सुर वो चीज़ें ना हो इसलिए उसके ऊपर क्या होती है, वैक्सी पोर्शन होता है। ठीक है, इनकी अगर बात करते हैं तो शूट, शूट का मतलब होता है जो जमीन के ऊपर होता है, और रूट का मतलब जमीन के नीचे होता है। तो शूट होता है इनका बहुत स्मॉल होता है, शॉर्ट होता है, और रूट जो होता है ये बहुत गहरा होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे पानी का लेवल जो होता है बहुत नीचे होता है, और रूट को क्या चाहिए, पानी चाहिए, तो वो पानी लेने के लिए नीचे तक जाता है। इसलिए आप बोल सकते हो इनको खींचना है, तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ की अगर बात करें तो नदियाँ यहाँ पर बहुत कम पाई जाती, सबसे फेमस नदियाँ की सांभर लेक है, समझ में आ रहा है, यहीं पर पाई जाती है। गेटिंग, इसके अलावा यहाँ पर और कुछ नहीं है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंडियन आइलैंड्स। थैंक यू।